खाने के राग को दूर हो करना और तब करने के बाद जिनकी खाने की आसक्ति दूर होती है ना, वो सबसे बड़ा काम है। एक बहुत बड़ा सवाल मैं आपको पूछता हूं, बराबर ध्यान से सुनना। आज आपका एग्जाम्पल समझो कि आज आपका नौकरसी का पचखान है, नौकरसी चौबिया का पचखान है, मतलब नॉर्मली पचखान है, कोई एकासना बेसना नहीं है, पूरे दिन में आप कितना द्रव्य वापरोगे? सेकंड डे हुआ आपका एकासना का पचखान है, आप कितने द्रव्य वापरोगे? जैसे ही एकासना नाम आता है, नॉर्मल रूटीन में जितना नहीं खाया होगा उससे कई गुना ज्यादा आप बना देते हो, पता है कि एक टाइम ही खाना है, तो एक्स्ट्रा मिठाई बन जाएगी, एक्स्ट्रा फरसान बन जाएंगे, आराम से उल्टा ये बनाओ वो बनाओ, मुक्का पानी बनाओ, राब बनाओ, उल्टा ज्यादा खाते हो। तपस्या का नाम पड़ा और एक टाइम खाना है, आपने ज्यादा चीजें बनाई, आपकी आसक्ति बड़ी की कम होगी। तपस्या कर इसलिए करना है कि ये जीव की आसक्ति, खाने के प्रति मन की जो आसक्ति है उसको दूर करने के लिए तपस्या करनी है। हमारा भी उल्टा हो जाता है, नौकरसी और चोर के पचखान इतना खाना नहीं खाते है, जैसे ही पता चला कि एकासना है ज्यादा चीजें बन जाती है। तो ये कौन सा कब हुआ? कहीं द्रव्य से पचखान हुआ? भाव से तो आपको सभी को छोड़ना है। लोग वर्षितप करते हैं, बहुत अच्छी बात है, वर्षितप करना चाहिए, ऐसा मैं नहीं बोलता। वर्षितप भगवान ने 400 उपास की, आपको 400 उपास है, इन प्रकार है वर्षितप की आराधना करनी चाहिए। पर जैसे ही वर्षितप हो जाता है और जैसे ही बेचना आ जाता है, मेरे ख्याल से उन्हें समझो कि 40 साल हुए उसके आयुष्य के, 40 साल में जितनी चीजें नहीं खाई होगी उतनी वर्षितप के एक साल में खा लेंगे, इतने परेशान और इतनी मिठाई। अलग अलग घर पे जाएंगे, आज को मेरे इस घर पे बेचना करने जाना है, इसके घर पे बेचना करने जाना है, और बेचना करने जाएंगे तो कई बार तो हम गोचरी जाते हैं, वर्षितप के आराधक हमको बुलाने आते हैं, हमारे साथ हमारा यहाँ वर्षितप के आराधक का बेचना है, और वहां जाते हैं, आधा किचन तो खाने की चीज से भरा हुआ रहता है, ये जूस ये फ्रूट ये कौन सी आसक्ति अभी कम हुई? वर्षितप करने से खाने के प्रति जो आसक्ति होती है उसको दूर करना होता है, ये तो हमारा उल्टा हो जाता है। हम तपस्या करने तो खाने की चीजें बढ़ा देते हैं, पालीटाणा में नमन करने आते हो, ठीक है संपत्ति भक्ति करते हैं, 40-50 चीजें बनाते हैं, वो हर चीज इसलिए बनाते हैं किसी को कोई जमे या नहीं जमे, वो तो आपकी भक्ति करेंगे, बट आपको कितना द्रव्य वापरना वो आपके ऊपर डिपेंड रहता है। वृत्ति संक्षिप्त नाम का तप है, वृत्ति यानी कि इच्छा है, इच्छाओं को कम करना, भले कितने भी इच्छा हुए 5 इंद्रिय के विषयों की, इच्छा निरोध नाम का तप है। अणसन मुणो अरिया वित्ति संख्या सच्चा हो, रस सच्चा हो यानी कि रस त्याग, जितने भी 6 रस है, तीखा मीठा कड़वा तिक्तवा कड़ुएवा कसायवा अम्बिलेवा मौरेवा लवणेवा, ये जितने 6 प्रकार के रस है उसी के रस को कम करना है, उसका नाम ही तपस्या है। रस का त्याग करना और वृत्ति को कम करना, वृत्ति संक्षेप की वो तप है। अभी हमारी जो तपस्याएं होती है, जो सामूहिक आराधनाएं होती है, रस त्याग की तो बात आती नहीं है, रस त्याग तो दूर की बात है, उल्टा रस का त्याग करना है, घी को लेके आ जाता है, कोई ज्यादा घी खाओ, तपस्या करनी है। ये कौन सी आसक्ति अभी कम हुई? तपस्या करने से तो आसक्ति कम होती है, जितनी लालसाएं होती है वो दूर होनी चाहिए, बट हम पूरा अपोजिट वे पर चल रहे हैं। अभी से ऐसा करना है, नॉर्मल रूटीन में जितना खाना कम खाते थे एकासना में ज्यादा खाते, अपोजिट कर देना कि जैसे एकासना का पचखान हुआ दो द्रव्य से एकासना करना है।